हर एक के लाइफ में ना एक प्रॉब्लम कॉमन है, एंड ये प्रॉब्लम हम लोगों को बार बार फेस करने को मिल जाता है। ये प्रॉब्लम है कन्फ्यूशन, किसी चीज़ को करे या फिर ना करे, यहाँ पर जाए या फिर ना जाए, या फिर खाए या फिर ना खाए। ऐसे टाइप्स के जो क्वेश्चंस हमारे मन में आ जाते हैं ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इसका आंसर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पर। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकले? सिचुएशन बहुत गंभीर भी हो सकता है, ईजी भी हो सकता है। तो आपको उस टाइम पर क्या करना है? आपको फर्स्ट रिलैक्स होना है, एकदम से काम होना है। उसके बाद आपको सोचना है कि अगर आप इस चीज़ को करते हो, इस चीज़ को खाते हो, यहाँ पर जाते हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, तो क्या होगा? इसके रीजंस आपको सोचने हैं, कितने सारे रीजंस यहाँ पर निकल रहे हैं। एंड नेक्स्ट टाइम आपको ये सोचना है कि अगर आप वहाँ पर नहीं जाते हो, इसको ना खाते हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, या फिर उसको इग्नोर करते हो, यानी नेगेटिव जो सिचुएशन है उसको सोचकर कितने रीजंस निकल रहे हैं आपके पास। पॉजिटिव वे में एक बार सोच के देखें कितना रीजंस निकल रहे हैं, नेगेटिव वे में एक बार सोच के देखें कि कितना रीजंस निकल रहे हैं। जहाँ पर आपका दिल आपको कम रीजंस बताएगा तो वही काम आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो आप किसी को कॉल नहीं करना चाहते हो, एंड कुछ सिचुएशन के वजह से आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो कि उस इंसान को आपको कॉल करना चाहिए या फिर नहीं। एंड इस सिचुएशन को सोचते ही सोचते आप ऑटोमेटिकली आपका हाथ उस कॉल को डायल कर देता है। तो ये जो बेख्याली में आप ये काम करने जा रहे हो कन्फ्यूजन के साथ, तो 98% देखा गया है कि इस काम में लोग फंस जाते हैं। क्योंकि कोई काम अगर आपका दिल नहीं करना चाहता है तो उसके लिए आपका दिल हजारों रीजंस दे देगा आपको, अगर करना चाहता है तो उसके लिए एक रीज़न ही काफ़ी होगा। एंड उस चीज़ को लेकर आप सेटिस्फाइड रहोगे, लोग क्या कहते हैं वो मैटर नहीं करता है। देखो, लोगों की लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ है, सोचना आपको है, डील भी आपको ही करना है। एंड कुछ चीज़ें अगर आए आपके लाइफ में तो उसको फेस भी आपको ही करना है। सो डिसीशंस आपका ही होना चाहिए हर एक चीज़ में। अगर आप अपने दिल के अगेंस्ट जाकर कुछ काम करते हो तो लॉन्ग टर्म में जाकर, यानी कुछ टाइम के बाद ही आपको गिल्ट महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ चीज़ें खाना नहीं चाहते हो एंड आप लोगों के इंस्पिरेशन के दौरान उस चीज़ को खा लेते हो, तो डेफिनेटली बाद में जाकर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं खाना चाहिए था, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है या फिर प्रॉब्लम्स हो रहा है शरीर में, ऐसा इनहाइजेनिक आपको लगेगा हाइजेनिक फूड खाकर भी, क्योंकि वहाँ पर आपका दिल उस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा था। फाइन, सो दिल बहुत मैटर करता है, मन बहुत मैटर करता है। ऐसे कन्फ्यूजन्स वाले सिचुएशंस हर एक के लाइफ में आता है, हर एक टाइम पर आता है। सो इसको लेकर आपको घबराना नहीं है। फाइन, आई होप ये एडवाइस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड साथ में कमेंट भी कर सकते हैं आप। ओके, सो बाय।